हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज का वीडियो मैं कुछ नया वीडियो साथ हाजिर हुआ और मैं आपको आज वीडियो साथ बताने वाला हूँ कि क्या करें अगर आपका पैरट फिश, फीमेल पैरट फिश को चेस करता हो तो उसका एग्रेसिवनेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपली चलिए वीडियो तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरह का एक ग्लास लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक मैंने ग्लास लिया करीब एक्वेरियम का साइज़ का है। आपको दुकान से जाकर कटवा लेना है अपने एक्वेरियम का साइज़ बोल करके। मैं एक्वेरियम से लेके आया हूँ। करना क्या है, आपको अपने एक्वेरियम में इसको फिट करना है और पैरट फिश को, मेल और फीमेल पैरट फिश को अलग अलग रखना है। तो आप देखिए मैं कैसे इसको अलग कर रहा हूँ। आराम से आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा, आराम से आप पहले एक काम कर लीजिए, पहले अपने ग्लास जो उसको पोछ लीजिएगा। सॉरी, मैंने अपने ग्लास पोछना भूल गया था, तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ ग्लास से। एक मिनट, एक क्लीन हो गया और आप देख सकते हैं मैं इतने का मैं इसमें पुश करूँगा। वो करना कि आपको फिशेज को अलग कर लेना, नहीं तो क्या होगा कि आपको फिशेज बड़े फिशेज है इसको अलग करने का दिक्कत हो सकता है आपको। गुड 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 ग्लास में आके अटक जाएंगे और इस तरीके से क्या होगा, इसका फिशेज का जो एग्रेसिवनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब फिशेज देखिएगा कि ग्लास में अटैक करना बंद करा तो क्या कीजिएगा, ग्लास हटा दीजिएगा, तो कहिएगा फिशेज फाइटिंग नहीं करेगा और अच्छे तरीके से रह सकेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आपके बारे में, तो नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।